Hey, what's up, guys? तो आज हम लोग कोल हार्बर आए हैं. तो बेसिकली ये है कोल हार्बर का सीन. तो कोल हार्बर बेसिकली वाटर फ्रंट के सामने है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे सी है, एंड सी के सामने रेजिडेंशियल एरिया प्लस ये आपका नॉर्मल ऑफिसेज वगैरह भी है. सो बेसिकली कोल हार्बर का नाम कोल हार्बर क्यों पड़ा, बिकॉज यहाँ पे बहुत लाइक 1864 में आई गेस कोल मिला था, तो जिसके वजह से इसका नाम कोल हार्बर पड़ा. तो यहाँ पे बेसिकली शिप्स आते हैं बहुत बड़े बड़े या इंडस्ट्रियल के टाइम से ही. तो वही शिप्स यहाँ पे आके रुकते हैं एंड दे टेक ऑल दोस गुड्स एंड ऑल. तो आई गेस दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न कोल हार्बर का. सो देखते हैं आगे. एंड हम लोग ये सी वॉल के थ्रू वॉक कर रहे हैं, एंड यहाँ से बेसिकली आपको पूरा डाउनटाउन दिखता है. तो उसके अलावा भी लाइक आपको सी प्लेन्स दिखेंगे, जैसे ये मेरे पीछे ये सारे सी प्लेन्स है, तो वो सब दिखती है. तो चलते हैं एंड पूरा एक्सप्लोर करते हैं आगे का क्या है. एंड पीछे ये मेरा दोस्त है कागे. सो हम दोनों यहाँ जाए हैं देखने के लिए. तो बेसिकली आज थोड़ा सा स्नो हुआ था, जिसके वजह से थोड़ा ठंड है, एंड ऊपर से सी से भी थोड़ा हवा आ रहा है, तो जिसके वजह से थोड़ा और ठंड है. बट कोई नहीं, एक्सप्लोर करते आगे का, एंड आप लोग भी देखिए एंड एंजॉय कीजिए. कुछ हिस्ट्रीज है तो यहाँ पे बता रहे हैं कि लाइक कुछ स्ट्राइक हुआ था फिशरमैन लोगों के को लेके, फिशरमैन यूनियन का, एंड जिसने रेसिज्म को ख़त्म किया था. सो ये वही उसी के बारे में है. सो ये रहा, एंड ऐसे ही आगे और भी है चारों तरफ लाइक लगे हुए हैं. सो तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे है. When I sleep, you're next to me. Even though you're my enemy. So ये है एयर ये वाले प्लेन्स की थोड़ी बहुत हिस्ट्री है यहाँ पे, एंड ये रहे बाकी का नज़ारा. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. एंड वहाँ पे आपको दिख रही होगी उधर दूर वहाँ पे शिप्स है. आई ट्राई टू ज़ूम. तो वो रही वो शिप्स है, एंड देन वहाँ पे आप बेसिकली वो पोर्ट है, एंड वो पोर्ट पे लाइक वहाँ पे वही सारे कंटेनर्स वगैरह का काम होते रहता है. एंड अभी हम लोग ये सामने जा रहे हैं, एंड वो हो कैनेडा प्लेस जहाँ पे मैं उस दिन गया था कैनेडा प्लेस में. तो उसकी क्लिप आई गेस पिछले वाले वीडियो में है, तो आप सब लोग देख लेना. एंड यही है. एंड ये जो देख रहे हो ये रेजिडेंशियल एरिया है बेसिकली. कोल हार्बर में क्या है ना, वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज भी है एंड ऑफिस स्पेस भी है, तो दोनों है. तो यहाँ पे लाइक रेजिडेंशियल स्पेस भी है, तो लोग रहते भी है यहाँ पे. सो वही, एंड सामने उधर बेसिकली वो यार्ड्स वगैरह है तो लोगों का पर्सनल. एंड ये है हमारा स्टैनली पार्क. तो स्टैनली पार्क भी जाएंगे किसी दिन, तो उस दिन स्टैनली पार्क का मैं वीडियो बना दूंगा. बट आज तो आई गेस प्लान नहीं है स्टैनली पार्क का अभी तक तो. बट जाएंगे किसी दिन, एंड उस दिन बनाऊंगा मैं. तो आगे चलते हैं, देखते आगे और क्या क्या है. एंड हाँ चलो इधर से चलते हैं ऊपर. ये बेसिकली यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह है, तो आप देख सकते हो. एंड अभी हम लोग को थोड़ा ऊपर तरफ जाना है, तो हम ऊपर जाके ही मिलते हैं. When I wake, you begging me, draining me of my energy. I forgive all the harm you've done. Hi guys, बहुत ठंड लग रही है. तो हम लोग अभी Tim Hortons ढूंढ रहे हैं. बेसिकली अभी हम लोग Tim Hortons जाके तो कॉफ़ी भी पीएंगे, हाथ पथ फुल जम गया है. तो उसके बाद ही मिलते हैं कॉफ़ी लेने के बाद. फाइनली वी गॉट आवर कॉफ़ी. तो अभी कॉफ़ी पीते उसके बाद फिर चलते हैं बाहर.
तो ये टिम हॉर्टन्स गए थे हम लोग, तो अभी जा रहे हैं वापस। सो फाइनली हम लोग कॉफ़ी पी के आ गए, तो अभी तो हम वापस जा रहे हैं घूमने क्योंकि बहुत ठंड थी बाहर। एंड अभी जब बाहर निकले तो देख रहे थोड़ा थोड़ा ड्रिजलिंग हो रहा है, तो बट कोई नहीं, चलते देखते आगे एंड दिखाते हैं। व्हाट्स अप गाइस, सो मैं इधर पहुंच गया हूँ। ये कुछ ओलंपिक का ये है, लाइक वैंकूवर में 2010 में ओलंपिक हुआ था, तो उस टाइम ये सबसे बड़ा फायर लगाया गया था इधर पे ही, मतलब इनॉग्रेशन इधर से स्टार्ट हुआ था, तो उसी का ही ये है। तो ये रही बाकी की, ये रही उसकी कुछ डिटेल्स वगैरह। ये है आपका जो ओलंपिक हुआ था 2010 में एंड उसी का विंटर गेम एंड ऑल, तो ये सबसे बड़ा टॉर्च वही लगाया था उस टाइम पे इन्होंने, तो ये वही कल्चर है ये बेसिकली। तो कुछ ऐसा दिखता है एंड आई गेस अभी वहाँ पे तो आग नहीं जल रही है, बट यूजुअली वहाँ पे आई गेस जब ओलंपिक था तो तब आग वाग जल रही थी। तो बस यही है, तो ये वाला तो हो गया, अभी हमने देख लिया। तो ये वाला तो देख लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं इधर। तो यहाँ पे और एक चीज़ है देखने के लिए बेसिकली उस तरफ है, तो उधर चलते हैं एंड देन बताता हूँ उसका सीन क्या है आगे का। तो आई डोंट थिंक वहाँ पे अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए, आई डोंट नो, कुछ तो प्राइवेट फंक्शंस वगैरह है। बट आप देख सकते हो ना, वो बेसिकली ये भी एक स्कल्पचर है, उसको डिजिटल ओखरा बोलते हैं एंड ये किलो वेल को बनाया था। किलो वेल का बेसिकली स्कल्पचर है एंड ये जो ये पैसिफिक कन्वेंशन सेंटर है उन्होंने इसको गिफ्ट किया था, तो ये आर्ट इंस्टॉलेशन उन्हीं का ही है बेसिकली। तो ये रही एंड ट्राई करता हूँ मैं थोड़ा जूम करके। यस, ये है बेसिकली आपका। तो चलते अभी अभी तो यहाँ। ये दोनों तो देख लिया हम लोग ने, अभी हम जा रहे हैं वापस कनाडा प्लेस की तरफ। उस साइड से नहीं जा रहे बिकॉज सो फाइनली हम लोग ये कनाडा प्लेस के सामने है, तो उस दिन भी आया था मैं, तो आज फिर से आ गया मैं ऐसे बस थोड़ा देखने के लिए। एंड बेसिकली आपको अगर कनाडा प्लेस आना है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, आप वो स्काई ट्रेन से आ सकते हो या फिर आप नॉर्मल बस पकड़ के भी आ सकते हो। तो ये आप पीछे चले जाओगे तो ये डाउनटाउन का है फुल एंड हम लोग तो अभी जा रहे हैं कनाडा प्लेस, थोड़ा देख के आते हैं। उस दिन तो मैं रात को आया था, तो रात को तो सही था, अभी दिन में भी थोड़ा देख लेता हूँ क्या है। मैंने अकेला ही यहाँ पे छतरी निकाला है बिकॉज मेरा कैमरा थोड़ा भीग जाएगा इसीलिए, बट कोई नहीं चलते। तो हम लोग कनाडा प्लेस आ गए, मैंने कैमरा अंदर घुसा दिया है बिकॉज थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है एंड रिस्क नहीं लेना, कैमरा ख़राब हो सकता है, बट कोई नहीं फ़ोन से कर लेंगे। तो फ़ोन से ही मैं कर रहा हूँ अभी तो व्लॉग आगे का। तो अभी तो हम लोग कनाडा प्लेस की तरफ जा रहे हैं आगे, देखते हैं। यहाँ पे तो ठंड बहुत है, थोड़ा हाथ और बोलने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, बट कोई नहीं आगे दिखाता हूँ मैं। तो ये रहा सीन, अभी हम लोग आगे तरफ जाएंगे, एकदम उधर फ्रंट तरफ चलेंगे एंड ये यहाँ पे कुछ कुछ तो ये वही हिस्ट्रीज है। तो यहाँ पे ये बहुत मस्त है, यहाँ पे क्या होता है कि हर एक आपका मतलब कोई भी जगह होगा ना वहाँ पे दे स्टिक ऑल दिस थिंग्स, तो आप पढ़ सकते हो बेसिकली यहाँ पे क्या है। एंड तो आप देख रहे हो सामने वो वाटर ड्रॉपलेट वाला ना, तो वो भी एक आर्ट वर्क है बेसिकली। एंड वैंकूवर में ऐसे आर्ट वर्क्स बहुत थे चारों तरफ, तो वो आर्ट वर्क का भी बेसिकली सीन ये था कि वो एक जर्मन आर्टिस्ट ने वो दिया था, वो बेसिकली वो एक रेन ड्रॉप है एंड वही पोर्ट्रेट करता है, आई डोंट नो मे बी बिकॉज वैंकूवर में इतना रेन होता है इसीलिए दिया होगा,
बट अभी तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्नो गिर रहा है तो एंड आई गेस थोड़ी देर बाद और भी ज़्यादा स्नो गिरेगा तो देखते हैं। तो ये है कनाडा प्लेस का एकदम स्टार्टिंग वाला है लाइक आई गेस डेड एंड बोल सकते हो आप। तो यही है एंड वहाँ से वो जो पोर्ट दिख रहा था ना हम लोग को कोल हार्बर वाला, तो ये वही पोर्ट है। यहाँ पे वो कंटेनर्स अनलोड लोड होते हैं, बेसिकली आपके वो शिप्स चले जाएंगे वहाँ पे एंड देन दे कैन डू ऑल दो स्टफ। एंड ये रहे आपके बड़े बड़े कंटेनर वाले शिप्स। तो यही है एंड उसके अलावा तो ये है आपका ये वाटर फ्रंट वाला एरिया। तो यहाँ पे बेसिकली सारे लाइक आईटी वाले कंपनीज सारे हैं यहाँ पे। तो यही है, अभी हम लोग इस तरफ ही जाएंगे, ये वाटर फ्रंट स्टेशन जाएंगे, वहाँ से वाटर फ्रंट स्टेशन से हम लोग घर जाएंगे। तो यहाँ से चलते हैं एंड देन आगे मिलता हूँ मैं आप लोगों को। तो अभी तो यहाँ पे स्नो गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, आई डोंट नो दिख रहा होगा कि नहीं, बट जैसे ये जैकेट में मेरा थोड़ा थोड़ा स्नो है, तो स्नो गिरना स्टार्ट हो गया है। एंड उसके अलावा ये कनाडा प्लेस, तो बेसिकली यहाँ पे लाइक तीन चीज़ें हैं आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके अलावा वैनकूवर कन्वेंशन सेंटर एंड एक होटल है। तो अभी यहाँ पे यही है। तो बेसिकली इसको डिज़ाइन किया गया था लाइक आर्च की तरह, सी वाला कुछ होता है ना जैसे शिप्स के, वो डिज़ाइन वो दिमाग पे रखते हुए। एंड ऑल्सो ये था जैसे ऑस्ट्रेलिया में जैसे सिडनी ओपरा हाउस है, तो वो भी एक रिजेंबल करता है। तो यही है, तो इसीलिए आपको वो ऊपर में दिखेंगी। यस आई डोंट नो ऊपर वो दिख रही होंगी कि नहीं उधर। यस ये सारी जो आर्चेस है ना, तो बेसिकली ये एक सेल बोट की तरह इसको बनाया गया था ताकि दूर से मतलब वैसा टाइप का वाइब्स दे। तो यही है एंड यहाँ पे तो मस्त अभी स्नो गिर रहा है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, ये देख रहे हो। यस तभी स्नो स्टार्ट हो गया है एंड होपफुली और थोड़ा देर तक और ज़्यादा गिरेगा तो मज़ा आएगा। एंड तो ना ये सारे यहाँ पे कनाडा के लाइक सिटीज़ या स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे चारों तरफ लाइक कनाडा प्लेस में, जैसे विनीपेग हो गया आपका, यहाँ पे फिनलॉप हो गया, फिनफ्लॉप हो गया, ये वेल्डन हो गया, ये चर्चिल, ये सारे हैं। एंड यहाँ पे ये जैसे मैनिटोबा लिखा हो गया ना, ये बेसिकली आपका प्रोविंस, अलग प्रोविंस जैसे आई गेस यहाँ पे इन्होंने वही किया है, जैसे प्रोविंस एंड देन प्रोविंस के अंदर में जो भी सिटीज़ आते हैं उसको यहाँ पे लिखा है, जैसे ये सिस्कॉन हो गया आपका एंड ये वही है। तो यही आगे का व्यू अभी, होपफुली देखते आगे जाके और क्या क्या घूम सकते हैं। क्या बोल रहे पीछे से इतनी उल्टा जा रहा है। तो अभी तो हम लोग गैस टाउन की तरफ जा रहे हैं। तो अभी तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं रास्ता किस तरफ है, किस तरफ जा सकते हैं। तो भाई अपना रास्ता देख रहा है, तो भाई रास्ता देख रहा है अपना एंड चलते हैं। एंड ये रहा आसपास का डाउनटाउन एरिया फुल। ये भी हम लोग वाटरफ्रंट स्टेशन की तरफ ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले ये हम लोग इधर पहुंच गए। ये तो साफ है हम लोग वाटरफ्रंट स्टेशन के सामने पहुंच गए अभी, बट हमको वाटरफ्रंट स्टेशन बाद में जाएंगे, अभी हम लोग गैस टाउन की तरफ जा रहे हैं। तो देखते हैं गैस टाउन में, वहाँ पे अगर स्टीम क्लॉक दिख गया तो हम लोग घूम के आ जाएंगे बिकॉज वी हैव टाइम। अभी उसी तरफ चल रहे हैं एंड वहाँ जाके ही मिलते हैं। ये है यहाँ का नज़ारा कुछ।
तो ये है बेसिकली आपका गैस टाउन, जहाँ पे उसी वाला एरिया, वही वाला एरिया है तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। एंड ये थोड़ा ना ओल्ड आर्किटेक्चर का वाला वाइब्स आता है यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि ये 90s मतलब जब पुराने ज़माने का वो था तब से ये है। एंड तो वो लोगों ने उसी को प्रिजर्व किया है, वो कल्चर को, तो ये वही है। तो अगर यहाँ पे आप आओगे तो आपके बिल्डिंग्स आपको थोड़े ओल्ड वाले टाइप्स दिखेंगे, बिकॉज ये वही पुराने ज़माने वाले से कोई लोग रेनोवेट कर रहे हैं एंड ऑल। तो अभी वो रहा सामने स्टीम क्लॉक, एंड आगे जाके देखते हैं। ये तो कुछ गिफ्ट शॉप वगैरह है, एंड ये रहा फेमस स्टीम शॉक। ये आई गेस ये आफ्टर एवरी 15 मिनट्स बाद बाद ये आई गेस व्हिसल मारता है, तो विल सी अगर टाइम हुआ तो विल सी दैट ऑल्सो। तो यही है आपका फेमस स्टीम क्लॉक, तो ये हर 15 मिनट बाद बाद बजेगी। तो हम जब आए थे तब एक बार बज चुका था, आई एम नॉट श्योर अभी फिर से कब बजेगा, तो आई गेस अभी बजना चाहिए इसको और 1-2 मिनट में, और देखते हैं। यही बचता है हर 15 मिनट बाद बाद, और यहाँ पे टूरिस्ट लोग आए हैं देखने के लिए। फिर हम लोग तो वापस जा रहे हैं घर की तरफ, फिर हम लोग यहाँ से वाटरफ्रंट स्टेशन जाएंगे एंड वहाँ से विल हेड होम। तो बस आज का इतने इतना ही था अभी। वहाँ पे बज रहा था गाना, अब हम चल रहे हैं वापस घर की तरफ। यहाँ पे मोस्टली सब कुछ आसपास में ही है, तो हम लोग को ज़्यादा टाइम लगा नहीं घूमने के लिए। लाइक वाटरफ्रंट स्टेशन से 2 मिनट पे ही स्टीम क्लॉक था, तो स्टीम क्लॉक देख लिया। अभी हम लोग पकड़ेंगे मेट्रो एक्सपो लाइन हमारे घर की तरफ जाने के लिए, तो वही है। आपका वाटरफ्रंट स्टेशन, मेरा हाथ फुल जम गया है, तो अभी तो जा रहे हैं हम लोग मेट्रो के लिए। क्या बोल रहे? सो फाइनली वी हैव रीच्ड, अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये आज थोड़ा सा बर्फ गिरा था, तो वही है बर्फ, पिद्दू थोड़ा थोड़ा सा ही है। तो ये दिख रहा है आपको आसपास में, ये सब बर्फ है एंड भी यहाँ पे बहुत ठंड है, तो यहाँ तो अभी बहुत ठंड है, धुआं निकल रहा है। एंड तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।